जीवन में हमेशा बड़ी सोच रखना, क्योंकि छोटी सोच और पैर की मोच कभी किसी को आगे नहीं बढ़ने देती। हमेशा अपने काम को लेकर जिद्दी बनना, लेकिन जिद खुद से करना, दूसरों से नहीं। हमेशा सभी का सम्मान करना और हर इंसान से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करना, क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ खास गुण जरूर होता है। लोग हमेशा उस समय यकीन तोड़ते हैं जब आप उनकी वफादारी की मिसाल दे रहे होते हैं। हमारा तजुर्बा हमको यही सिखाता है कि जो मक्खन लगाता है वही चूना लगाता है। अपने बड़ों की बातें हमेशा ध्यान से सुने, इसलिए नहीं क्योंकि वो आपसे बड़े हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें आपसे ज़्यादा अनुभव है। कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, मुस्कुराने के लिए हंसना पड़ता है। यूँ ही नहीं होता है, सवेरा सुबह होने के लिए रात भर सोना पड़ता है। अच्छा नहीं लगता किसी को बार बार अपनी याद दिलाना, अगर अहमियत होगी तो लोग खुद याद कर लेंगे। दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ सलाह है, एक मांगो तो हज़ार मिलता है, और दुनिया की सबसे महंगी चीज़ सहयोग है, हज़ार से मांगो तब जाकर एक से मिलती है। ईमानदारी से काम करने वालों के शौक भले ही पूरे ना हो, लेकिन नींद हमेशा पूरी होती है। अच्छे लोगों के साथ अच्छे से रहें, लेकिन बुरे लोगों के साथ बुरे नहीं, क्योंकि पानी खून साफ कर सकता है, लेकिन खून खून साफ नहीं कर सकता। असफल लोगों के तीन लक्षण होते हैं जो आप में कभी नहीं होने चाहिए। ये अहंकारी होते हैं, ये अपने आप को सबसे ऊपर मानते हैं और सभी लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे रावण और कंस। दूसरा, टाल मटोल की प्रवृत्ति। इन्हें कोई भी काम दिया जाए उसे यह हमेशा टालते रहते हैं और समय को बर्बाद करते रहते हैं। तीसरा, लक्ष्य का न होना। इनका खुद का कोई लक्ष्य नहीं होता, इसलिए दूसरों के जैसे बनने की कोशिश करते हैं और असफल हो जाते हैं। अकेला जीना सीख जाते हैं जब उसे पता चलता है कि अब साथ देने वाला कोई नहीं। हर चीज़ उठाई जा सकती है सिवाय गिरी हुई सोच के। पत्थर की एक ही कमी है कि वह पिघलता नहीं, लेकिन उसकी एक खूबी है कि वह कभी बदलता नहीं। बातचीत तो शब्द ही है, लेकिन की जाए तो दिलों के मैल धुल जाते हैं। याद रखना, यहाँ रिश्ता तोड़ने के लिए लोग गलत इल्ज़ाम भी लगा देते हैं। जिन्हें आपको गलत समझना है वो आपके मौन का भी गलत अर्थ निकाल लेंगे। धन की गरीबी नहीं बल्कि मन की गरीबी इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उसकी कद्र करो, क्योंकि वो आपको जीने का अंदाज सिखाता है। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर की धूल को गुलाल समझता है।